हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। तो कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बताया था कि दंगल टीवी पे एक नया सीरियल आने जा रहा है जो कि स्टोरी स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आएगा। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि पारस अरोड़ा का नया शो आने वाला है और उसी शो में वो मेन लीड प्ले करने वाले हैं। तो फाइनली दंगल टीवी वालों ने कल इसका प्रोमो रिलीज़ कर दिया पारस अरोड़ा के नए शो का। और जो शो का नाम रखा गया है वो है गहना जेवर एंड जंजीर। तो शो का जो नाम है काफ़ी सिमिलर है, ऑफकोर्स पहले भी इस पर नथ जेवर एंड जंजीर चल रहा था और उसी टाइप का सिमिलर नेम है बिकॉज उसी का स्पिन ऑफ टाइप का सीरियल है। और गैस अब यहाँ पर बात करें फीमेल लीड की, तो दिव्या पाटिल सीरियल में फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही हैं जिनकी करेक्टर का नाम खुद गहना होने जा रहा है। तो गैस शो की कहानी इस तरह की, ये जो पारस अरोड़ा का करेक्टर है ये डॉक्टर है और इसी के चक्कर में उसको आना पड़ता है एक गाँव में और वहाँ पर ये लड़की जो है फीमेल लीड उसको मिल जाती है। यहाँ पर जो फीमेल लीड है काफ़ी फन लविंग टाइप का उसका करेक्टर होने वाला है और जो लड़के का करेक्टर है वो अपने ज़्यादातर काम में बिज़ी रहता है और उसका जो डेडिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है अपनी डॉक्टरी को लेकर, लेकिन वो उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है। लेकिन लड़की काफ़ी ज़्यादा बोलती है, वो काफ़ी ज़्यादा हँसती खुलती है और उसके साथ मिल जाती है इस लड़के को। तो गाइस यहाँ पर गाँव में दोनों मिलते हैं लेकिन आगे चलकर कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि इनको शादी में मंडप में बिठवा दिया जाता है, यानी कि फोर्सफुल इनकी शादी करवा दी जाती है। पारस अरोड़ा का जो करेक्टर है वो शादी नहीं करना चाहता होता और लड़की को भी ये चीज़ पता नहीं होती, लेकिन इनकी फोर्सफुल इस तरीके से जब शादी करा देंगे तो इनका एक बंधन बन जाएगा और उसी के बाद ये कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे और वही सब शो का जो आफ्टर बाद की कंसीक्वेंसेस हैं शो की मेन स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ये जो स्टोरी लाइन है कुछ नई तो वैसे है नहीं है बिकॉज पहले भी काफ़ी मल्टीपल टीवी सीरियल्स में इससे जुड़ी हुई, यानी कि इससे रिलेटेड, इससे सिमिलर कहानी हम देख चुके हैं जैसे कि इमली सीरियल में और भी मल्टीपल टीवी शोज रहे हैं ऐसे। तो गाइस यहाँ पर ये जो नया सीरियल है अभी के लिए इसकी टाइम स्लॉट तो रिवील नहीं है। बाकी कुछ और कास्ट मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस एक्टर मनमोहन तिवारी भी हमें शो में देखने को मिलेंगे जो कि करेंटली मिश्री सीरियल में हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी सेम प्रोडक्शन हाउस का सीरियल है। एंड ऑल्सो संध्या मेहता को भी इस शो के लिए फाइनल कर लिया गया है, ये भी इस शो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करने जा रही हैं। बहुत जल्द शो लॉन्च हो जाने वाला है आने वाले हफ्तों में, तो आने वाले दिनों में और जो अपडेट्स होंगे शो के रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग इस शो के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं हैं। सारी अपकमिंग दंगल टीवी के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।